चलो सो लास्ट क्लास में लोगों ने क्या देखा, स्ट्रेस इन ए रॉड है ना, वेरियस कंडीशंस हम लोगों ने डिस्कस किए। तो बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया था जब जो नेट फोर्स रॉड पे जीरो था। हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्ट्रेस इन एन एक्सिलरेटिंग रॉड। ओके, सो नेक्स्ट वाला स्ट्रेस इन एन एक्सिलरेटिंग रॉड, स्ट्रेस इन एन एक्सिलरेटिंग रॉड, ठीक है, स्ट्रेस इन एन एक्सिलरेटिंग रॉड। तो रॉड एक्सिलरेट कर रहा है और इसके पास कुछ मास होगा, ठीक है। इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है। क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। तो एक चीज़ बताएं, हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कि सपोज अगर ये कोई मासलेस स्ट्रिंग है, एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर ये कोई मासलेस स्ट्रिंग है ना, कोई मासलेस स्ट्रिंग है, तो इसके हर पॉइंट पे टेंशन क्या होता था, सेम होता था। मगर ये ए एक्सीलरेशन से इधर की तरफ एक्सीलरेट भी कर रही है स्ट्रिंग, तो हम लोगों ने क्या देखा था, इस पॉइंट पे टेंशन, इस पॉइंट पे टेंशन, इस पॉइंट पे टेंशन, इस पॉइंट पे टेंशन, हर पॉइंट पे टेंशन क्या होता था, सेम होता। टी ए इज इक्वल टू टी बी इज इक्वल टू टी सी इज इक्वल टू टी डी, हर पॉइंट पे टेंशन क्या होता था, सेम होता था। लेकिन अगर सपोज इसी स्ट्रिंग का मैं मास दे दूँ कुछ, बोलो कि नो नो स्ट्रिंग इज नॉट मासलेस, स्ट्रिंग हैज सम मास, तो अगर स्ट्रिंग के पास जैसे ही मास आ जाएगा और अगर ये स्ट्रिंग इधर की तरफ एक्सिलरेट कर रही है, तो इसके हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट पे बताओ टेंशन, डिफरेंट होगा, इस पॉइंट पे टेंशन बताओ, डिफरेंट होगा, इस पॉइंट पे टेंशन बताओ, डिफरेंट होगा। और कैसे निकालते हैं टेंशन, इस पॉइंट पे अगर मैं पूछूं बताओ तो आप निकालना जानते हैं, इस पॉइंट पे अगर मैं पूछूं टेंशन बताओ कितना लग रहा, तो भी हम लोग निकालना जानते हैं, इस पॉइंट पे मैं अगर टेंशन पूछूं तो वो भी निकालना हम लोग जानते हैं। सिंपल एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल लेके मैं बताऊँ कि सपोज ये एक मास है 10 kg का है ना, और इस स्ट्रिंग का मास है 10 kg, ठीक है। मैंने पूछा कि आप यहाँ पे स्ट्रिंग का टेंशन बता दो, तो आप क्या, और सॉरी, और सपोज ये एक्सेलरेट कर रही है कुछ, एक्सीलेशन 2 m/s² से है ना, मैंने पूछा आप यहाँ पे एक्सीलेशन बता दो, टेंशन बता दो कितना लग रहा है, तो आप क्या करते थे, 10 kg का सिंपल बता देते, यहाँ पे टेंशन मान लिया टी लग रहा है, ये ए एक्सीलेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, और इस पर क्या लग रहा है, 100 N ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, तो हम लोग क्या लिखते थे, टी माइनस 100 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन, ठीक है। एक्सेलेरेशन कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, जैसे टेंशन आ जाएगा 120 N, ठीक है, हमने इस पॉइंट पे निकाल लिया। अगर मैं इस पॉइंट पे टेंशन पूछता तो आप क्या करते है ना, सपोज यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दे दिया हमने 2 m, ठीक है, और पूरे स्ट्रिंग का लेंथ दे दिया हमने है ना, पूरे स्ट्रिंग का लेंथ हमने दे दिया सपोज 5 m, पूरे स्ट्रिंग का लेंथ हमने दे दिया कितना बच्चा, 5 m। जस्ट आपको रिकैप करवा रहा हूँ मैं, आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो इस पॉइंट पर टेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ से स्ट्रिंग को काट देते थे, तो यहाँ से काट के स्ट्रिंग को जब हम लोग चेक करते थे तो क्या करते थे, अभी टोटल मास इस सिस्टम के अंदर कितना आ जाएगा, इतने स्ट्रिंग का मास, इतने स्ट्रिंग का मास कितना आ जाएगा, 5 m लेंथ के स्ट्रिंग का मास 10 kg है, तो 2 m स्ट्रिंग के लेंथ का मास कितना आ जाएगा, 4 kg, 4 आएगा ना, हाँ 4 kg आ जाएगा, तो 10 kg इसका मास हो गया, 4 kg इसका मास हो गया, टोटल मास कितना हैंग कर रहा है, 14 kg, 140 N ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगा। मान लेते इस पे टेंशन टी डैश ऊपर लग रहा है और ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए मैं न्यूटन्स लॉ अप्लाई करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, टी डैश माइनस 140 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास कितना बोलो, टोटल मास 10 + 4 = 14 इंटू एक्सीलरेशन 2, यहाँ से टी डैश कितना आ जाएगा बच्चा, 140 + 28 है ना, या टी डैश कितना आ जाएगा, 168 N। तो जिस भी पॉइंट पे पूछेगा, अगर मैंने यहाँ पे पूछा आपने बता दिया टेंशन, मैंने यहाँ पे पूछा आपने टेंशन बता दिया, आप मैंने यहाँ पे पूछा आप टेंशन, कहीं पे भी आपसे टेंशन पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हो। सेम तरीके से हम लोग स्ट्रेस भी निकालते हैं इन एन एक्सिलरेटिंग रॉड, अगर रॉड के पास कुछ मास है और वो एक्सिलरेट कर रहा है तो उसमें टेंशन कैसे निकालेंगे है ना, सेम उसी तरीके से, सॉरी स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरीके से हम लोग इस केस में भी डिस्कस करते हैं है ना। अब डिफरेंस क्या है, जब रॉड मासलेस होता है तो उसमें डिफरेंस क्या है, या स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है तो उसमें अंतर क्या है। जैसे हमने क्या बताया कि सपोज ये रॉड मासलेस है, या रॉड का मान लेते कुछ मास भी है, बट इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, नेट फोर्स इस पे जीरो है, हमने इधर से एफ फोर्स लगाया, हमने इधर से फोर्स एफ लगाया है ना।
अब स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, दिस एफ इज इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस, और इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस इसके बराबर हो जाता है जब रॉड इक्विलिब्रियम में है, यानी कि नेट फोर्स उस पर जीरो है, है ना, जब नेट फोर्स जीरो है तो रॉड इक्विलिब्रियम में है, तो ये इंटरनल फोर्सेस किसके बराबर है, एक्सटर्नल फोर्स के। अब अगर मैं यहाँ से काट के देखूँ रॉड को, या यहाँ से काट के देखूँ, तो हर पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, अगर मुझे इस क्रॉस सेक्शन ए ए डैश मान लेता हूँ, इस क्रॉस सेक्शन पे देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इधर से एफ मिल रहा है, इधर से इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस मान लेते हैं आर डेवलप हुए। अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन पे देखूंगा यहाँ से काट के, तो इस क्रॉस सेक्शन का ये एफ बी डी होगा, इधर से एफ लग रहा है, मान लेते हैं इस क्रॉस सेक्शन पे क्या लग रहा है, आर डैश इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं। तो अब मेरे को बताओ, ये जब पूरा रॉड ही का एक्सीलरेशन जीरो है, है ना, पूरे रॉड का एक्सीलरेशन जीरो है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में भी है, मास हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इस केस में हम लोग बताओ अगर इसका एक्सीलरेशन जीरो तो यहाँ से आर क्या आ जाएगा, अगर ये पार्ट भी इक्विलिब्रियम में होगा तो आर किसके बराबर आ जाएगा, एफ के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली इस केस में आर डैश किसके बराबर आ जाएगा, एफ के बराबर आ जाएगा, है ना। तो जब रॉड स्टैटिक इक्विलिब्रियम केस में था, या अगर रॉड एक्सेलरेट भी कर रहा है बट मासलेस था, तो अंतर क्या हो रहा था कि हर क्रॉस सेक्शन पे जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस डेवलप हो रहे थे चा, वो क्या था, सेम था। दैट मीन्स अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन की बात करूं, अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन की बात करूं, तो इस क्रॉस सेक्शन में भी इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस एफ के बराबर होंगे, इस क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो इस क्रॉस सेक्शन में भी इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस एफ के बराबर होंगे, अगर मैं यहां पे कोई क्रॉस सेक्शन लूं तो इस क्रॉस सेक्शन में भी इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस क्या होंगे, एफ के बराबर होंगे। तो यहां से लेकर के यहां तक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था, सेम होता था। दैट मीन जितना स्ट्रेस इस क्रॉस सेक्शन पे डेवलप हो रहा है, उतना ही स्ट्रेस इस क्रॉस सेक्शन पे भी डेवलप हो रहा है, और उतना ही स्ट्रेस इस क्रॉस सेक्शन पे भी डेवलप हो रहा है। बट अगर रॉड का मास है एंड रॉड इक्विलिब्रियम में नहीं है, रॉड एक्सीलरेट कर रहा है, तो इस क्रॉस सेक्शन पे इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। और कैसे निकालेंगे उस इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स का वैल्यू, जैसे हम लोग टेंशन कैलकुलेट करते थे, ठीक है, स्ट्रिंग में जब स्ट्रिंग का मास होता था तो हम लोग टेंशन कैलकुलेट किए हुए ना वेरियस पॉइंट पे, तो उसी तरीके से। तो अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस पूछूं यहाँ पे, तो इस क्रॉस सेक्शन पे आप क्या निकाल लोगे, रेजिस्टिव फोर्स निकाल लोगे, या आर का वैल्यू निकाल लोगे, या सिंपल बोले टेंशन का वैल्यू निकाल लोगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, यहाँ पे फिर क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ पे क्या पता चल जाएगा, स्ट्रेस। सिमिलरली अगर यहाँ पे पूछ रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, टेंशन निकाल लेंगे, है ना, या फिर इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस निकाल लेंगे और इस क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, स्ट्रेस इन एन एक्सेलरेटिंग रॉड, सिमिलरली इस क्रॉस सेक्शन पे भी, ठीक है। चलो अब हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा, इस क्रॉस सेक्शन पे इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस किसके बराबर आ जाएंगे, एफ के बराबर आ जाएंगे। इस क्रॉस सेक्शन पे इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस किसके बराबर आ जाएंगे, एफ के बराबर आ जाएंगे। इस क्रॉस सेक्शन पे इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस किसके बराबर आ जाएंगे, एफ के बराबर आ जाएंगे। हर क्रॉस सेक्शन पे इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस एफ के बराबर आ जाएंगे इफ रॉड इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, मास से मतलब नहीं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, अगर हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। तो अब मैं अगर पूछूं कि यहां पे बताओ, वन इसको मान लेते हैं, टू इसको मान लेते हैं, थ्रू, मैंने पूछा इस क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस बताओ, तो मैंने क्या लिखा, इस क्रॉस सेक्शन पे कितना फोर्स लग रहा था, एफ डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ए। मैंने पूछा इस क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस बताओ, तो इस क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस सिग्मा टू क्या जाएगा, इस क्रॉस सेक्शन पे कितना फोर्स लग रहा था, एफ बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ए। अगर मैं पूछूं इस क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस का वैल्यू बताओ, तो इस क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस कितना आ जाएगा, इस क्रॉस सेक्शन पे कितना फोर्स लग रहा है, एफ बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ये आ गया स्ट्रेस। तो अगर रॉड स्टैटिक इक्विलिब्रियम में था और मासलेस था, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में, तो हर क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या था बच्चा, सेम था। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, सेम था। तो यहाँ पे जितना स्ट्रेस वहाँ पे इतना स्ट्रेस, हर क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस का वैल्यू क्या था, सेम था। लेकिन अगर रॉड का मास हो गया और रॉड इक्विलिब्रियम में नहीं है, जैसे हमने बता दिया, ऐसे मान लेते हैं रॉड पे ऐसे सिर्फ एफ फोर्स लग रहा है, मैंने दे दिया रॉड का मास, मास ऑफ रॉड, मास ऑफ रॉड इज इक्वल टू कैपिटल एम, है ना, मैंने सिंपल इतना दे दिया, है ना। तो अब मैं अगर इसका एनालिसिस करूंगा तो मेरे को बताओ, क्या रॉड के इस क्रॉस सेक्शन पे यही एफ फोर्स लग रहा होगा, नहीं। क्या इस क्रॉस सेक्शन पे यही फोर्स लग रहा होगा, नहीं।
कैसे पता करें कितना फोर्स लग रहा है? तो हमको पता है भाई इस पॉइंट पे, इस क्रॉस सेक्शन पे टेंशन फोर्स निकालना हम लोग जानते हैं, स्ट्रिंग वाला केस सिंपल न्यूटन्स लॉ वाला, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन पे हम लोग फोर्स निकाल लेंगे वो अलग आएगा। मैं मान लेता हूँ इस क्रॉस सेक्शन वन एंड क्रॉस सेक्शन टू। मैंने पूछा क्रॉस सेक्शन वन पे बताओ स्ट्रेस कितना लग रहा है, तो क्रॉस सेक्शन वन पे हमने मान लिया जो फोर्स लग रहा है क्रॉस सेक्शन वन पे वो कितना था बच्चा F1। क्रॉस सेक्शन टू पे कितना फोर्स था F2। तो क्रॉस सेक्शन वन पे अगर मैं स्ट्रेस पूछूंगा तो क्या आ जाएगा, फोर्स F1 बाई क्रॉस सेक्शन एरिया A। अगर मैं यहाँ पे पूछूंगा स्ट्रेस तो सिग्मा टू क्या आ जाएगा, इस क्रॉस सेक्शन पे जो फोर्स लग रहा है F2 बाई A, ठीक है। ये F1 क्या है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेज डेवलप्ड एट क्रॉस सेक्शन वन। ये F2 क्या है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेज डेवलप्ड एट क्रॉस सेक्शन टू, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेज ही है इस क्रॉस सेक्शन पे जो इतने पार्ट को आगे की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा सिंपल। अब मैं हम आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। चलो भाई, जैसे एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, है ना, आप समझेंगे। मान लेते हैं यही रॉड है, ठीक है। आई हैव अप्लाइड एफ फोर्स एट दिस एंड, ओके, एंड मास ऑफ रॉड इज इक्वल टू कैपिटल एम, लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू कैपिटल एल, ठीक है। मास ऑफ रॉड हमने दे दिया, लेंथ ऑफ रॉड दे दिया, इस पर फोर्स एफ लगाया था। तो मेरे को बताओ क्या रॉड यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, नहीं। तो रॉड अगर इक्विलिब्रियम में नहीं तो एक्सीलरेट करेगा, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा रॉड का, बोलो जरा, एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, एफ बाई एम, ठीक है। हमने पूछा कि भाई यहां से इस पॉइंट पे L बाई टू डिस्टेंस पे इस क्रॉस सेक्शन पे आप स्ट्रेस बता दो, इस क्रॉस सेक्शन पे आप क्या बता दो, स्ट्रेस बता दो, ठीक है। तो ये पोर्शन भी L बाई टू हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे हमको क्या बता दो, स्ट्रेस बता दो। तो मैं क्या करूंगा भैया, ये पूरा होल सिस्टम ऐसे A एक्सीलरेशन से आगे जा रहा होगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां से रॉड को ब्रेक करूंगा, है ना। ये हमारा रॉड हो गया, यहाँ से हमने रॉड को क्या किया, ब्रेक किया इसे, ठीक है। अब इस पॉइंट पे, इस क्रॉस सेक्शन पे क्या जनरेट हुआ, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस ऐसे ऐसे ऐसे, इस जो कि यूनिफॉर्मली इस क्रॉस सेक्शन पे क्या होगा, डेवलप होगा। याद करें आप लोगों ने टेंशन वेंशन निकाला होगा, है ना। मान लेते हैं ये इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस कितना है, आर, ठीक है। अब ये पोर्शन ए एक्सीलरेशन से इधर जा रहा है, मैं मान लो अगर मास स्मॉल एम है इसका, तो क्या आप लिख सकते हो इस इतने पार्ट के लिए आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। सिंपल भाई, न्यूटन्स लॉ। टेंशन वगैरह निकालना हम लोग जानते हैं ना, जब मास वास होता था रॉड का या स्ट्रिंग का, तो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस आर कितना आ जाएगा। अब इतने पार्ट का मास कितना होगा, सिंपल बोलो, पूरे एल लेंथ का मास है एम, तो आधे का मास कितना हो जाएगा, m बाई टू। यूनिटरी मेथड लगा देंगे, जितने का भी मास पूछा गया, तो कितना आ जाएगा, कैपिटल m बाई टू इंटू ए, ये हम लोग लिख सकते हैं m a बाई टू, ठीक है। ये आ गया हमारा क्या, इस पॉइंट पे, इस क्रॉस सेक्शन पे इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस। तो इस क्रॉस सेक्शन पे अगर मैं स्ट्रेस पूछूंगा तो क्या लिख दूंगा, r बाई क्रॉस सेक्शन एरिया a, r कितना बच्चा, m a बाई टू। अब एम ए किसके बराबर है, इस इक्वेशन से हम लोग ध्यान से देखें तो एफ किसके बराबर आ जाएगा, एम ए के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग एफ भी रख सकते हैं यहाँ पे, तो एफ बाई टू ही आ जाएगा आंसर हमारा, समझ पा रहे हो। सिमिलरली अगर मैं किसी भी क्रॉस सेक्शन पे मैं पूछ सकता हूँ भाई, मैं इस क्रॉस सेक्शन पे पूछ सकता हूँ, तो आप इस क्रॉस सेक्शन पे अगर मैं यहाँ सपोज दे दिया कि सपोज टू एल बाई थ्री है ना, टू एल बाई थ्री नहीं, एल बाई थ्री, आप इस क्रॉस सेक्शन पे बता दो, तो आप इस इतने पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, क्या करते हैं, इतने पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बना। सिंपल बताओ मेरे को, स्ट्रिंग अगर मास होता था तो हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होता था, और वो टेंशन निकालना हम लोगों को आता है ना। अब आप जैसे भी निकालना चाहते हो, आप इतने पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना के निकालना चाहते हो तो वो भी सही है। जैसे जब मैंने इस क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस पूछा तो मैंने इतने का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, आप चाहते तो इतने का भी बना सकते थे। अगर मैं इतने का बनाता तो क्या कैसा दिखता हमको, देखो ऐसा दिखता हम लोगों को, ये इधर से आर लग रहा होता ऐसे, है ना। अब ये आर और ये आर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऐसे दोनों जुड़े हुए हैं, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। इधर से क्या लग रहा है, एफ। अब ये इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, एफ
माइनस आर इज इक्वल टू इतने पार्ट का मास स्मॉल एम इंटू ए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते थे इस एफ की जगह पे एफ माइनस आर इज इक्वल टू मास। अब इस मास का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कितना था, पूरे का मास कितना था कैपिटल एम, तो आधे का मास कितना हो जाएगा कैपिटल एम बाई टू, तो आ जाएगा एम ए बाई टू। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते थे बच्चा, आर निकाल सकते थे, तो वो भी सेम आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है स्ट्रेस इन एन एक्सीलरेटिंग रॉड हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चा लोग, स्ट्रेस इन एन एक्सीलरेटिंग रॉड में क्या होगा, हर पॉइंट पे स्ट्रेस क्या होगा, हर क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हमको करना क्या है, जिस क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस पूछा है रॉड में, वहाँ पे जाके इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, सेम उसी तरीके से जैसे स्ट्रिंग में आपने जब मास होता था स्ट्रिंग का, तो मिड पॉइंट पे या किसी भी डिस्टेंस पे आप जब टेंशन कैलकुलेट करते थे, सेम उसी तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेज उस पॉइंट पे। ठीक है, चलो नोट कर लो, या सिंपल बोलें टेंशन उस पॉइंट पे, जो भी करें जैसा भी आपको समझना है। नोट कर लिया, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, नोट करो। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ फटाफट, आप फटाफट बताएंगे भाई, है ना, बिना देर किए हुए फटाफट। चलो जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन, नहीं हंड्रेड न्यूटन, मास 2 kg, मास 8 kg, दिस इज ए स्टील वायर, क्या है ये स्टील वायर, ओके स्टील वायर, दिस इज अ स्टील वायर, स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10 mm² एंड मास ऑफ दिस वायर इज 4 kg। ठीक है, लेंथ दिया हुआ है इस रॉड का 4 meter। ठीक है, लेंथ दिया हुआ है रॉड का 4 meter। देन कैलकुलेट 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 स्ट्रेस एट मिड पॉइंट ऑफ द वायर। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, अगर ये इसको मैं मासलेस बोल दिया होता तो क्या हर पॉइंट पे स्ट्रेस का वैल्यू सेम होता? यस सर, बिल्कुल सेम होता। कैसे निकालते फिर स्ट्रेस, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, हम लोग सिंपली इसमें क्या निकाले थे, टेंशन निकाले थे। कैसे टेंशन निकाले थे, इधर मार करके इधर मार कर, जैसे भी हम लोग निकालते हैं, है ना, टेंशन निकाल लेते। और टेंशन निकाल लेते तो टेंशन यहाँ पूरे स्ट्रिंग में सेम होता, तो स्ट्रेस भी सेम होता। अगर मासलेस होता है वायर तो हम लोग वहाँ से क्या निकाल सकते थे, स्ट्रेस। लेकिन हमसे इस बार क्या पूछा है, मास दे दिया है इसका, हमसे क्या पूछा है, स्ट्रेस एट मिड पॉइंट ऑफ दिस स्टील वायर। ओके चलो ऑप्शन दे दूं मैं, फटाफट ऑप्शन दे दूं। चलो ऑप्शन दे देता हूं मैं, सॉल्व करो तुम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ऑप्शन में दे रहा हूं। ऑप्शन ए चलो ऑप्शन ए 50 MPa, ऑप्शन बी 50/7 MPa, ऑप्शन सी 100/7 MPa, ऑप्शन डी 100 MPa। चलो फटाक से बता दो बिना कोई देर किए, फटाफट बिना देर किए फटाक से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो ठीक, चलो तो हमको कहाँ बताना है बच्चा, स्ट्रेस मिड पॉइंट पे स्ट्रेस बताना है, यहाँ पे मिड पॉइंट पे। ठीक है, मिड पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टम का एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, हमको इस पॉइंट पे हमको स्ट्रेस बताना है,
तो इस पॉइंट पे हमको क्या पता चलना चाहिए बच्चा, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस। सिंपल बोले भैया इस पॉइंट पे हमको टेंशन निकला, तो अब मैं बार बार इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं बताऊंगा, मैंने स्ट्रेस को आपको एक अंदर घुस के डिफाइन कर दिया है कि एक्चुअल में होता क्या है, वो फोर्स बैरियर का मतलब क्या होता है। अब मैं बार बार बोलूंगा टेंशन, तो इस पॉइंट पे टेंशन निकालना, तो कैसे निकाल लेंगे टेंशन, ध्यान से देखो। सबसे पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ये पूरा सिस्टम साथ साथ मूव करेगा, एक साथ मूव करेगा, है ना, तो सभी का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है 100 बाई टोटल मास कितना 8 प्लस 2 8 प्लस 2 प्लस इसका मास कितना बच्चा 4 kg, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 50/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा सिस्टम का एक्सेलरेशन। अब हमको इस पॉइंट पर टेंशन चाहिए, तो यहाँ से स्ट्रिंग को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। अब इसको ब्रेक करने के बाद चाहे आप इतने पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ या इतने पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इस पॉइंट पे टेंशन निकालने के लिए दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो मेरे लिए इतना वाला पार्ट इजी, इधर वाला का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा टेंशन निकालना इजी है, तो मैं इतने पार्ट का बनाऊंगा, ठीक है। तो जब आप इतने पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे 8 kg, ये हमारा स्टील वायर हो गया, है ना, इस पॉइंट पे टेंशन मान लेते हैं टी, ऐसे लग रहा है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक्सीलरेट कर रहा है ए एक्सीलरेशन से, है ना, मेरे को बताओ, ठीक है। तो अब बताओ इसको सिस्टम मान सकते हैं, तो ये टेंशन फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है, वही तो इस पूरे सिस्टम को एक्सीलरेट करा रहा होगा। तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन लिखूंगा, तो टी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब मास क्या, इतने पूरे का मास, तो इतने पूरे का मास कितना आ जाएगा 8 kg प्लस इतने वायर का मास, तो इतने वायर का मास कैसे निकालेंगे, पूरे वायर का लेंथ कितना है 4 meter, तो मिड पॉइंट मतलब इतना लेंथ कितना होगा 2 meter, तो यूनिटरी मेथड में लगा दूंगा, मास पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा, टोटल मास बाई लेंथ टोटल, तो कितना आ जाएगा 1 kg per meter, यानी कि एक यूनिट लेंथ का मास जो है वो 1 kg है, तो 2 meter लेंथ का मास कितना आ जाएगा 2 kg, तो टोटल मास इसके अंदर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो मास कितना आ जाएगा 8 + 10 इसका मास प्लस इतने रॉड का मास इंटू एक्सेलरेशन हम लोग निकाल चुके हैं 50/7, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 500/7 न्यूटन। तो स्ट्रेस कितना आ जाएगा इस क्रॉस सेक्शन पे, इस पॉइंट पे टेंशन बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, टेंशन है कितना 500/7 डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ 10, तो इसे खत्म हो जाएगा कितना आ जाएगा 50/7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं MPa, तो कितना जाएगा आंसर हमारे यहाँ से 50/7 MPa, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रैक्शन नोट करो फटाफट फटाफट, चलो नोट करो नोट करो, मिटा दें, चलो बहुत ही आसान है भाई, सिंपल है, बहुत ही सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, kg दिस इज स्टील वायर, ठीक है, लेंथ दिया हुआ स्टील वायर का 6 meter, मास दिया हुआ है स्टील वायर का 12 kg, ठीक है, कैलकुलेट स्ट्रेस एट पॉइंट बी एंड दिस लेंथ इज 4 meter, ओके, क्वेश्चन माय क्वेश्चन इज कैलकुलेट स्ट्रेस एट पॉइंट बी ऑफ द स्टील वायर, ओके, स्ट्रेस एट पॉइंट बी ऑफ द स्टील वायर, फटाफट, चलो ऑप्शन दे दूँ मैं, चलो ये ऑप्शन दे देता हूँ मैं, ऑप्शन ए आप लोग सॉल्व करो, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ए अच्छा हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया देना मैं भूल गया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्टील वायर इज
14 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो ऑप्शन ए देता हूं मैं, 10 MPa, ऑप्शन बी 20 MPa, ऑप्शन सी 200 MPa, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो तीन ही देता हूँ, फटाक से बता दो बिना देर किए हुए। चलो बताओ। चलो तो हमको किस पॉइंट पे निकालना बच्चा, बी पे निकालना है। तो ये स्टील वायर मासलेस तो है नहीं, मासलेस होता तो बहुत ही सिंपल से हो जाता हमारे लिए, है ना। सिंपल टेंशन निकाल लेते हैं यहाँ से, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के टी बाई एरिया कर दे, खत्म से हमारा काम हो जाता, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो हमको बी पे निकालना है, तो मैं बी का क्या करूंगा, इस यहां से स्ट्रिंग काट के ऐसे रिमेनिंग पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो मुझे क्या दिखाई देगा, ये ऐसे 20 kg और इस पॉइंट बी पे टेंशन टी ऐसे ऊपर लग रहा होगा। अब रॉड, ये पूरा सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में है, पूरा सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में है, तो पूरे सिस्टम का मास जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो वेट हो नीचे लग रहा होगा, वेट कितना नीचे लग रहा होगा पूरे सिस्टम का मेरे को बताओ। 20 kg इसका वेट प्लस इतने पार्ट का वेस्ट वेट, तो इतने पार्ट का मास आप कैसे निकालोगे। सिंपल मेरे को बताओ, लेंथ दिया हुआ पूरे स्ट्रिंग का, पूरे स्ट्रिंग का मास दिया हुआ है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, मास पर यूनिट लेंथ निकाल सकता हूँ, टोटल मास बाई टोटल लेंथ 2 kg पर मीटर। तो मेरे को बताओ 4 meter लेंथ का मास कितना आ जाएगा, इतने का मास कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्मॉल m कितना आ जाएगा बोलो, 4 × λ यानी कि 8 kg। तो वेट कितना लटक रहा है इस पॉइंट के नीचे बोलो, 20 + 8 × g यानी कि वेट कितना लटक रहा है बच्चा, 280 newton। इज दैट क्लियर। अच्छा तब तो खत्म हो गया सर, तो स्ट्रेस कितना आ जाएगा अब, अच्छा सॉरी, अब ध्यान से देखो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो टेंशन ऊपर लग रहा है इस पॉइंट पे और पूरा वेट नीचे लग रहा है, तो टेंशन कितना आ जाएगा यहाँ से, 280 newton इक्विलिब्रियम से, है ना। तब स्ट्रेस कितना आ जाएगा भैया, जब इस पॉइंट पे हमने क्या निकाल लिया, टेंशन निकाल लिया, तो स्ट्रेस कितना आ जाएगा, टेंशन बाई एरिया, टेंशन कितना है 280 बाई क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 14, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 20 MPa या 20 newton पर मिलीमीटर स्क्वायर आएगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, MPa। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इज दैट क्लियर, नोट करो फटाक से। चलो हो गया, चलो भाई कुछ भी कर दो भाई, कुछ भी कर दो, सिंपल आपको टेंशन निकालना है। आप समझ जाए, भूल जाए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप भूल जाए कि आप इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, और स्ट्रेस निकालना है सिंपल। जिस पॉइंट पे पूछा है, टेंशन डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया यू विल गेट द स्ट्रेस, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन में कर तो बोलता हूँ, दिस इज ए मास ओ सॉरी रॉड, ठीक है। This is accelerating toward this with alpha meter per second square. Okay? क्या दिया हुआ है, length of the rod is L. Okay? And accelerating with acceleration alpha toward this. Okay? Question क्या है, rod is accelerating with an acceleration, फोर्स ना देके भैया मैंने क्या दे दिया इस बार, एक्सीलरेशन दिया, विद एक्सीलरेशन अल्फा। इफ लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द रॉड इज एल एंड डेंसिटी ऑफ रॉड इज रो एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया is A, then stress at midpoint of the rod will be, option A rho A alpha, option B rho A alpha by 2, option C
रो ए अल्फा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो फटाक से सॉल्व करके बताओ, आप कर सकते हो बिना किसी देर के, आप समझे हो कॉन्सेप्ट को तो आप कर सकते हो, फटाफट बताओ भाई। चलो कहाँ पे पूछ रहा है, मिड पॉइंट पे पूछ रहा है, यानी कि यहाँ कहीं पे पूछ रहा है। मिड पॉइंट का मतलब ये एल बाई टू होगा, तो ये पोर्शन भी कितना होगा, एल बाई टू होगा। तो हमने क्या पूछा, इस पॉइंट पे पूछा है ना, इस पॉइंट को यहीं से काट लो, इस पॉइंट को यहीं से काट लो। तो काटने के बाद आपको ये पोर्शन हमको ऐसा दिखेगा। अब काटने के पास आपके पास दो फ्रैक्शन दिखेगा, एक ये वाला राइट वाला, एक लेफ्ट वाला। तो आप किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के बता सकते हो, ठीक है। मेरे लिए लेफ्ट वाला ज़्यादा आसान लगता है तो मैं लेफ्ट वाला चूज करता हूँ, आपको राइट वाला चूज करना तो आप राइट वाला चूज कर सकते हो। अब ये पार्ट भी तो अल्फा से ही एक्सीलरेट कर रहा होगा भैया उधर, अच्छा तो इसको कौन सा फोर्स एक्सीलरेट कर रहा होगा, इस क्रॉस सेक्शन पे, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन पे ऐसे टेंशन फोर्स जनरेट हुआ होगा ना, ऐसे है ना, मान लिया टेंशन फोर्स टी जनरेट हुआ। अब क्या ये टी किसी पॉइंट पर लगा, ये पूरे क्रॉस सेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे क्रॉस सेक्शन पे क्या अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैंने सिर्फ इनकी इसकी वैल्यू दिखा दी है एक, जो टी उधर की तरफ लग रहा है, अच्छा। अब इतने का मास, ये लेंथ कितना होगा, एल बाई टू है ना, तो अब टी किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब इतने पार्ट का मास कैसे निकलो, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो टेंशन टी कितना जगह, मास कितना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी डी दिया हुआ है। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम के निकालने के इसका क्रॉस सेक्शन पता है, ए दिया हुआ है, लेंथ पता है भाई। वॉल्यूम किसका क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, सिंपल सी बात है। तो वॉल्यूम कितना जाएगा, ये तो क्या डेंसिटी क्रॉस सेक्शन एरिया ए इंटू एल बाई टू अल्फा, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ से टेंशन टी कितना आ जाएगा बच्चा, रो ए एल अल्फा बाई टू, ये आ गया हमारा टेंशन, क्या आ गया हमारा टेंशन, इज दैट क्लियर भाई। सिंपल मास को मैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर सकता हूँ ना, है ना, तो स्ट्रेस कितना जाएगा इसका भैया, टेंशन बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ए, टेंशन कितना आया, रो ए एल अल्फा बाई टू डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ए से खत्म हो जाएगा तो क्या जाएगा, रो एल अल्फा बाई टू। तो इसमें से कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, नहीं तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था आईआईटी में एडवांस में, इसमें आया हुआ था आईआईटी एडवांस, बहुत ही सिंपल। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बहुत आसान लगेगा सारी चीज़, ठीक है, नोट करो भाई फटाफट। चलो मिटाऊं, यस सर। अब मैं कैसा भी दे सकता हूँ भाई, अब मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दे सकता हूँ, जैसे एक लिफ्ट में रख दिया, एक्सीलरेट कर रहा है, कैसे भी सिंपल आप बता सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन लिखो, ये एक रॉड है, मास ऑफ रॉड इज कैपिटल एम, लेंथ ऑफ रॉड इज कैपिटल एल, ओके, ये सिंपल हैंग कर रहा है। देन स्ट्रेस डेवलप्ड एट क्रॉस सेक्शन वन वन विल बी, ये हमारा कोई क्रॉस सेक्शन है वन वन, दिस इज टू एल बाई, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन पे वन वन कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ये हम लोगों को बताना है, ओके। चलो ऑप्शन दे देता हूं मैं, ऑप्शन ए सॉल्व करो आप सॉल्व करो, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन ए हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं दिया हूं मैं, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इसका स्मॉल ए, ठीक है, 2mg by a, ऑप्शन बी 2mg by 3a, सॉरी ऑप्शन सी mg by 3a,
ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बता दो, फटाफट 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 बताओ। चलो तो इस क्रॉस सेक्शन पे निकालना है ना, तुम लोग यहीं से रॉड को काट देते हैं, है ना, यहीं से रॉड को काट देते हैं और इतने पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मैं यहीं पे कर दे रहा हूं। तो इस पॉइंट इतने पूरे पोर्शन का वेट जो W है वो नीचे लग रहा होगा और इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो ऊपर लग रहा होगा ऐसे, है ना। तो इस क्रॉस सेक्शन पे वो क्या चाहिए, स्ट्रेस। तो इस क्रॉस सेक्शन पे कितना टेंशन जनरेट हो रहा है ये पता चल जाए और इस क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमको स्ट्रेस पता चल जाएगा। सिंपल सी बात है। तब निकालते हैं इस टेंशन को। तो टी किसके बराबर आ जाएगा बोलो, डब्ल्यू के। अब ये डब्ल्यू किसके बराबर होगा, इतने पोर्शन का मास मान लेते स्मॉल एम है तो टी इक्वल टू कितना आएगा, स्मॉल एम इंटू जी। अब ये स्मॉल एम कैसे निकालोगे, तो भैया मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा कितना आ जाएगा, टोटल मास बाई टोटल लेंथ। तो ये स्मॉल एम कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू इतने पार्ट का लेंथ 2L/3। भाई देखो बार बार मैं इसे पूछना मत कि आप मास कैसे निकालें, ये आपको पूछना पूछ रहे हो तो आप पाप कर रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। अगर आप पूछो कि सर आप इतने पार्ट का मास कैसे निकाल ले रहे हो तो आप पाप कर रहे हो, आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो, समझ रहे हो आप, यू आर इन टेंथ, समझ पा रहे हो। एक बार मैं बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा, ठीक है, बड़े हो चुके हो तो थोड़ा समझो इस बात को। लैम्डा कितना है, एम बाई एल इंटू 2L/3। तो एल सेल खत्म आ जाए, कितना आ जाएगा 2m/3, ठीक है। तो इतने का मास कितना आ जाएगा, वेट कितना आ जाएगा, इस m की जगह पे ये रख देते हैं तो 2mg/3। तो टेंशन पता चल जाएगा भैया, तो स्ट्रेस कितना आ जाएगा, टेंशन बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ए, टेंशन है 2mg/3 डिवाइड बाई ए, तो ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, समझ पा रहे हो। तो अब मेरे को बताओ क्या इस रॉड में यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेस का वैल्यू सेम है, नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेस का वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेस का वैल्यू सेम नहीं है, है ना। यहाँ पे स्ट्रेस जीरो क्योंकि इसके नीचे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा भैया, कोई वेट ही नहीं लग रहा। इस क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस क्या होगा, जीरो। इस क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस कम, इस क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस थोड़ा और बढ़ गया, इस क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस और बढ़ गया, इस क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस और बढ़ गया। क्यों बढ़ता जा रहा है, जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन पे देखोगे तो इतने पार्ट का वेट हैंग कर रहा है तो टेंशन ज्यादा होगा। अगर हम लोग इस क्रॉस सेक्शन पे देखते तो सिर्फ इतने पार्ट का वेट हैंग कर रहा है तो टेंशन कम होगा। सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहाँ डेवलप होगा, यहाँ पे डेवलप होगा, समझ पा रहे हो। तो अगर मैं यहीं पे आपसे ग्राफ वगैरह पूछूं, चलो ग्राफ पूछ लेता हूं, चलो ये देखते हैं कितने लोग सही करते हैं, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन, वेट ऑफ रॉड इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड लेंथ इज इक्वल टू एल, वेट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड in the rod, ठीक है। Then this is x is equal to zero, sorry, this is r is equal to zero and this is r is equal to l, ये पूरा लेंथ आपको दे दिया है l, ठीक है। Then which of the graph depicts the variation of stress with R, ठीक है। ऑप्शन ए दिस इज सिग्मा, दिस इज R, ऑप्शन बी R, sigma, D
डब्ल्यू बाई ए, ठीक है, आर इज इक्वल टू एल, ठीक है, W बाई ए आर इज इक्वल टू एल, ठीक है। ऑप्शन सी आर स्ट्रेस, ठीक है, W बाई ए आर इज इक्वल टू एल, ओके। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बता दो, फटाक से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट फटाफट फटाफट। व्हिच ग्राफ डिपिक्ट्स द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस, मे डिपिक्ट्स, जो भी लिखना है, मे ग्राफ मे डिपिक्ट्स द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस विथ आर, फटाफट बताओ भाई फटाफट फटाफट। चलो तो कौन सा होगा भैया, सी वाला होगा। अब मेरे को बताओ R इज इक्वल टू एल पे स्ट्रेस जीरो होगा क्योंकि इसके नीचे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा भाई, पुल ही नहीं करते, यहाँ पे टेंशन क्या होगा, जीरो। तो अगर हम लोग A की बात करें तो A पे देखो जो R इज इक्वल टू एल पे स्ट्रेस W बाई A दिखा रहा है, गलत है ना, ये तो कर्व होगा ही नहीं क्योंकि लीनियर वेरिएशन होगा। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे जब R इज इक्वल टू जीरो है मतलब इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे कितना वेट हैंग कर रहा है, W नीचे हैंग कर रहा है भाई। इस पॉइंट पे अगर टेंशन निकालना तो टेंशन टी ऐसे ऊपर लगेगा, पूरा वेट डब्ल्यू नीचे लग रहा है तो टी किसके बराबर रहेगा, डब्ल्यू के। तो स्ट्रेस कितना आ जाएगा, टी बाई एरिया यानी कि डब्ल्यू बाई ए, जो करेक्ट आ रहा है। और आर इज इक्वल टू एल पे इस पॉइंट पे स्ट्रेस जीरो हो जा रहा है, तो हमारा कौन सा डिपेंड कर रहा है, ऑप्शन ए। और भाई अगर आपको ऐसे भी नहीं पता चल रहा है तो आप वेरिएशन निकाल सकते हो, यहाँ से आप एक्स पे जाओ, कोई क्रॉस सेक्शन ले लो, है ना, तो इतने पार्ट का वेट कितना आ जाएगा, इतने पार्ट का वेट आ जाएगा W बाई एल इंटू एक्स। मैं नहीं बता रहा हूँ, वेट पर यूनिट लेंथ निकाल लेंगे फिर इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो स्ट्रेस सिग्मा कितना आ जाएगा बच्चा, वेट इतने पार्ट का वेट बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो क्या जाएगा W बाई एल बाई ए इंटू एक्स। तो सिग्मा कितना आ जाएगा, W एक्स बाई एल ए। अब ये किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का। देखिए स्लोप, स्लोप पे अभी मत जाए, अभी हम लोग अगर देखेंगे तो R को इधर लेके आएंगे क्योंकि नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे। अगर हम लोग R यहाँ से लेके जाएं तो हमारा सही स्लोप पॉजिटिव के साथ आएगा, ठीक है। अगर हम लोग R यहाँ पे लें क्योंकि ऊपर देखें हमने किया किया क्या है, यहाँ पे R अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे तो ऊपर की जाएंगे तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, है ना, तो ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव आ जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा, समझ पा रहे हो। हमने R यहाँ पे चूज किया है, समझ पा रहे हो, इसलिए आपको ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे माइनस एक्स लेना पड़ेगा, तो वेरिएशन आपका करेक्ट आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी पूछे हम लोग बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रॉड का लेंथ है एल, ठीक है, समझ पा रहे हो, क्वेश्चन को समझेंगे। मास ऑफ रॉड इज इक्वल टू कैपिटल एम, सॉरी मास ऑफ रॉड इज इक्वल टू कैपिटल एम, ठीक है। रॉड इज रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ एंड ऑफ द रॉड, ओके, लिखेंगे रॉड इज रोटेटेड, क्वेश्चन लिखे हैं, रॉड इज रोटेटेड विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, रॉड इज रोटेटेड इन एन हॉरिजॉन्टल प्लेन, रॉड इज रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा
अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड ऑफ द रॉड. देन कैलकुलेट स्ट्रेस वेरिएशन इन द रॉड. देन कैलकुलेट स्ट्रेस वेरिएशन इन द रॉड. ठीक है, चलो इसको मैं बताता हूं. चलो जी, मेरे को बताओ यहां पे रॉड को जब लोग रोटेट करा रहे हैं, तो अगर मैं सिंपल पूछूं बताओ इस क्रॉस सेक्शन पे, तो क्या इस क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस, इस क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस, इस क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस, क्या सेम होगा? नहीं, सेम नहीं होगा. इस क्रॉस सेक्शन पे टेंशन अलग होगा, आप सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हो. इस क्रॉस सेक्शन पे टेंशन अलग होगा और इस क्रॉस सेक्शन पे टेंशन अलग होगा, तो स्ट्रेस भी क्या होगा? अलग अलग होगा. हमको स्ट्रेस वेरिएशन निकालना. इस स्ट्रेस इतने पार्ट पे, इस क्रॉस सेक्शन पे इतने पार्ट का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ, इस क्रॉस सेक्शन पे इतने मास का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, ज्यादा लग रहा है. इस क्रॉस सेक्शन पे इतने मास का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ज्यादा लग रहा है ना. तो यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेस क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है. यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेस क्या कर रहा है बच्चा? वेरी कर रहा है. तो अगर स्ट्रेस वेरी कर रहा है, हमको जिस पॉइंट पे स्ट्रेस निकालना है उस पॉइंट पे क्या निकालना होगा? टेंशन. ठीक है, अब देखिए कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमको यहाँ पे कैसे निकालेंगे. चलो देखते हैं. चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आइए देखते हैं. ठीक है, हमने पूछा गलती क्या करेंगे. सबसे पहले देखें, हमने पूछा x के साथ वेरिएशन बताना है, तो आपने क्या किया, यहां से गए x पे, ये क्रॉस सेक्शन चूज किए, है ना, ये क्रॉस सेक्शन चूज किए, यहां से x पे गए क्रॉस सेक्शन चूज किए, और इस क्रॉस सेक्शन पे आप टेंशन निकाले. कैसे टेंशन निकाले? टेंशन टी ऐसे लग रहा होगा इस क्रॉस सेक्शन पे, इधर वाले रॉड पे इधर की तरफ, और इसका अगर मैं मास m मानूं, स्मॉल m, तो सूडो फोर्स इस पूरे का ऐसे इधर की तरफ लग रहा हो कितना, m, रेडियस कितना होगा, x, ओमेगा स्क्वायर. और आपने क्या लिखा, t इज इक्वल टू m x ओमेगा स्क्वायर. अब स्मॉल m का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इसने का कैसे निकालेंगे, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा कितना आ जाएगा, m बाई एल, तो इतना लेंथ का मास कितना आ जाएगा, इतना लेंथ कितना होगा, l माइनस एक्स, तो इतने लेंथ का मास कितना आ जाएगा, m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, कटाक से यहाँ पे रखा तो कितना आ जाएगा, m बाई एल इंटू सॉरी एल माइनस एक्स इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर. और स्ट्रेस पूछा हमने, तो क्या कर दिया आपने, क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दिया, तो आपको मिल गया m बाई ए एल एल माइनस एक्स इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर. बहुत बढ़िया, खुश हो गए, है ना. गलत क्या है ये? गलत. कहाँ पे गलत किया सर? हमने तो बिल्कुल सही किया है. हमने इतने पार्ट पे यहाँ पे हमको निकालना था स्ट्रेस. भाई स्ट्रेस वेरिएशन का मतलब क्या, किसी एक्स पे जाके हम लोग देख लेते हैं स्ट्रेस क्या है. तो हमने एक्स पे गए, यहाँ पे निकाल लिया टेंशन. सही तो किया है सर. भाई इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया. तो सर यहाँ पे गलत क्या, जब आप ये वाला पार्ट करवा रहे थे, जब मैं ये वाला पार्ट करवा रहा था और ये एक्सिलरेट कर रहा था इधर की तरफ, है ना, जब एफ फोर्स लगाया था आपने, तो जब आप इस पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस निकाले थे, तो क्या किए थे आप, इतने पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए थे, इतने पार्ट का, है ना, और इस पे आपने क्या मान लिया था, टी मान लिया था, और ये एक से एक्सिलरेट कर रहा था, तो आपने टी क्या किया था, मास इंटू एक्सिलरेशन. तो वही तो हम भी किए हैं. बट बच्चा अंतर ये है कि इस पोर्शन में जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाले पोर्शन के हर पॉइंट का एक्सीलरेशन ए ही है. इस पूरे रॉड का हर पॉइंट का एक्सीलरेशन ए है और आगे की तरफ है. अब मेरे को बताओ इस रॉड में जब रॉड रोटेट कर रहा है, तब क्या यहाँ पे जो पॉइंट है इसका एक्सीलरेशन, जो पॉइंट यहाँ पे है उसका एक्सीलरेशन, जो पॉइंट यहाँ पे है उसका एक्सीलरेशन, जो पॉइंट यहाँ पे है उसका एक्सीलरेशन, क्या सेम होगा? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन है. सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो v स्क्वायर बाई r या r ओमेगा स्क्वायर रेडियस पे डिपेंड कर रहा है. तो इस पॉइंट का रेडियस ये होगा,
इस पॉइंट का रेडियस ये होगा, तो हर पॉइंट का रेडियस अलग अलग हो जा रहा है, तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इतने पार्ट पे कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन नहीं लग रहा। यहां पे जो मास है, पॉइंट है, उसका एक्सीलरेशन अलग होगा, यहां पे जो पॉइंट है उसका एक्सीलरेशन अलग होगा, तो फोर्स भी तो अलग अलग लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। इसीलिए गलती बहुत लोग इस प्रॉब्लम में करते हैं, बहुत लोग करते हैं यही, इसी तरीके से सॉल्व करके आ जाते हैं, उनको लगता है कि मैंने पूरा सही किया हुआ है, बट थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है यहाँ पे। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग ये वाला डिस्कस कर देते हैं, ये वाला डिस्कस नहीं करते हैं, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। समझ पा रहे हो? तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आइए इंटीग्रेट करते हैं। कैसे करेंगे भैया? तो उसके लिए अब इंटीग्रेट करने का तरीका मैं बता चुका हूँ, कैसे इंटीग्रेट करते हैं। x पे जाके एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हमने मास एलिमेंट लिया। क्या लिया? मास एलिमेंट, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा मास एलिमेंट लिया dx थिकनेस का। कितने थिकनेस का? dx। और इसका मास कितना था? dm। इसको बाहर निकाला हमने। क्या किया बच्चा? इस छोटे थिकनेस को हमने क्या किया? बाहर निकाला। मास है इसका dm, थिकनेस है इसका dx, या जो भी लेंथ बोलना है आप लेंथ बोल सकते हैं। ठीक है, क्या क्या फोर्स लग रहे थे इस पे? मान लेते हैं t प्लस dt इधर लग रहा है और t इधर लग रहा है। समझ पा रहे हो? इस वाले एंड पे टेंशन ज्यादा होगा या इस वाले एंड पे? आप सोच के बता सकते हो, इस वाले एंड पे, क्योंकि इस वाले एंड पे इतने इतने मास का सेंट्रीफ्यूगल पीछे लगेगा और इस वाले पे सिर्फ इतने मास का सेंट्रीफ्यूगल पीछे लगेगा। इज दैट क्लियर? इसलिए इस एंड पे टेंशन टी प्लस डी टी माना हमने, तो छोटा सा आगे जा रहे हैं तो ये इधर हो गया। या सिंपल ऐसे बोल सकते हैं कि टी हमने इस क्रॉस सेक्शन पे माना, तो हम लोग और रोटेशनल एक्सिस की तरफ आ रहे हैं, तो इस पे क्या हो गया हमारा? टी प्लस डी टी हो गया। समझ पा रहे हो? नहीं समझे? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। आप ऐसे समझो, देखो ये डी एक्स था, है ना, यहाँ पे एक्सिस है, इसके अबाउट ऐसे ओमेगा से घूम रहा होगा ये डीएम वाला मास, डीएम का, और ये यहाँ से इसका लेंथ कितना था? x, और ये थिकनेस कितना बच्चा? dx। तो मैं मान लिया इस पे टेंशन लग रहा है t, तो जब हम लोग dx आगे बढ़े तो इधर की तरफ मान लेते हैं टेंशन कितना लग रहा है? t प्लस dt। क्या ये dt नेगेटिव है? क्या dt नेगेटिव है बोलो? अरे भाई dt नेगेटिव होगा कि नहीं, भी समझ पा रहे हो कि नहीं आप? ठीक है कोई बात नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और बताओ, और इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा? अवे फ्रॉम द सेंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा ना इस पे? ये तो हमने टी लगाया इधर, इधर टी प्लस डी टी लगाया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे ऐसे, कितना? डी एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ क्या लिखूंगा मैं यहां से। टी इज इक्वल टू सिंपल फोर्स बैलेंस, टी प्लस डी टी प्लस डी एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। ये टी से टी खत्म, तो माइनस डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से? डी एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। अब डी एम निकालना है, तो मेरे को बताओ मास पर यूनिट लेंथ एम बाई एल निकालना है, तो डी एम क्या आ जाएगा? लैम्डा डी एक्स, है ना। लैम्डा कितना? एम बाई एल इंटू डी एक्स। यहाँ पर रखो तो माइनस डी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एम बाई एल, एम बाई एल डी एक्स इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर। अरेंज करो इंटीग्रेट करने के लिए, तो माइनस डी टी इज इक्वल टू जो जो टर्म कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, एम बाई एल ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और एक्स डी एक्स इंटीग्रल। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे भैया? एक्स इज इक्वल, अच्छा मेरे को बताओ क्या यहाँ पे मेरे को टेंशन पता है? नहीं, यहाँ पे टेंशन हमको नहीं पता है। देखिए लिमिट लगाने में भी बहुत लोग गलती करते हैं, सर्कुलर मोशन में आपने सर ने टेंशन का वेरिएशन करवाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे
यहां पे क्या टेंशन हमको पता है? नहीं, तो मैं ऐसा नहीं ले सकता एक्स इज इक्वल टू जीरो पे टेंशन जीरो, क्योंकि यहां पे टेंशन हमको पता ही नहीं है। बट कहां पे पता है? यहां पे टेंशन हमको पता है। यहां पे एक्स इज इक्वल टू एल पे टेंशन क्या है? जीरो, क्योंकि इसके उधर कोई पार्टिकल ही नहीं है, कोई मास ही नहीं है। तो एक्स इज इक्वल टू एल पे हमको क्या पता है बच्चा? टेंशन कितना? जीरो है, ठीक है, यहां पे, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू एक्स पे मैंने मान लिया टेंशन कितना है? टी। समझ पा रहे हो कि नहीं? या आप ऐसे समझ सकते हो, रिवर्स वे में, आप रिवर्स वे में समझ सकते हो ऐसे। देखो, एक्स पे टेंशन मान लिया हमने क्या है? टी। यहां पे टेंशन, एक्स इज इक्वल टू एल पे टेंशन कितना है? जीरो। यहां पे टेंशन कितना है? जीरो। लिमिट उल्टा, इंटीग्रेट करने का अपना अपना तरीका है, समझ पा रहे हो? एक्स इज इक्वल टू एक्स पे, एक्स इज इक्वल टू, अब मैं यहां पे एक्स इज इक्वल टू जीरो रख के यहां पे टेंशन जीरो नहीं लग सकता हूं, क्योंकि जब एक्स जीरो है तो इस पॉइंट पे टेंशन कितना वो हमको नहीं पता है, है ना। बट हमको टेंशन यहां पे पता है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स पे हमने टेंशन टी माना हुआ है, टी रखा, और हमको क्या पता है कि एक्स इज इक्वल टू एल पे तो टेंशन जीरो है, तो यहां से इंटीग्रेट कर दो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस टी, लिमिट रखोगे कहां से कहां तक? जीरो टू टी, और यहां से क्या आ जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर बाई एल एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट कहां से कहां तक? एक्स टू एल, कितना आ जाएगा? एक्स टू एल, तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चा? वो सॉरी लिमिट गलत लगाया हूं मैं, टी टू जीरो, सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा? टी इज इक्वल टू, यहां रखोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा? एम ओमेगा स्क्वायर बाई टू एल इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये हो गया हमारा टेंशन का वेरिएशन, ये हो गया हमारे टेंशन का वेरिएशन। ये तो अभी हमने टेंशन निकाला, किसी एक्स पे टेंशन निकाला। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए है तो मेरे को बताओ स्ट्रेस कितना आ जाएगा? सिग्मा टेंशन टी बाई ए, तो स्ट्रेस कितना आ जाएगा? टेंशन टी हम लोग निकाल चुके हैं, एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू एल ए, ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, समझ पाए कि नहीं? किसी को किसी पार्ट में डाउट है, सिंपल हमने क्या किया, एक्स पे जाके डी एक्स का एलिमेंट लिया, फोर्स एनालिसिस किया तो हमको ये मिला, हमने इंटीग्रेट किया, जो हमको डेटा पता थे उसके बेसिस पे हमने क्या निकाला? टेंशन का वेरिएशन। अब सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ पर होगा इस इक्वेशन में? टी का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब एक्स जीरो होगा। इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। टेंशन मिनिमम कब होगा? जब एक्स मैक्सिमम होगा। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? एल। और इस पॉइंट पे टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो, है ना, बताया था ना, नोट करो फटाक से। चलो, ये आपको सब, ये टेंशन का वेरिएशन आपको याद होना चाहिए कि जब हम लोग एक रॉड को रोटेट कराते हैं, मास एम के रॉड को जब हम लोग रोटेट कराते हैं, तो टेंशन कैसे उसके लेंथ के अकॉर्डिंग वेरी करता है, इसके अकॉर्डिंग वेरी करता है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर याद रहे तो बेटर होता, ठीक है, आपने सर्कुलर मोशन में डेरिवेशन किया होगा। अच्छा, अब अगर मैं ग्राफ वगैरह बना दूं, अगर मैं ग्राफ और ग्राफ वगैरह की बात करूं, है ना, ग्राफ की बात करूं, चलो आप लोग ग्राफ वाला खुद बताओगे, ग्राफ वाला खुद बताओगे, ठीक है, ग्राफ वाला तुम लोग खुद बताओगे। चलो, व्हिच ग्राफ रिप्रेजेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस रॉड? मैंने क्वेश्चन क्या दिया, ये एक रॉड है, लेंथ है L, है ना, इसको ओमेगा से घुमाया जा रहा है, मास है इसका M, मास है इसका M, ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज A, क्रॉस सेक्शन एरिया इज A, ठीक है, मास ऑफ रॉड इज इक्वल टू M, लेंथ इज L, ठीक है, लेंथ इज L, क्रॉस सेक्शन एरिया इज A, देन व्हिच ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द स्ट्रेस वेरिएशन
विथ एक्स, ठीक है। मैंने क्या मान लिया इसको, वाई एक्सिस मान लेता हूँ, इसके अलावा मैंने क्या मान लिया, एक्स एक्सिस। दिस इज एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इज एक्स इज इक्वल टू एल, ठीक है। चलो बताओ फटाक से, ऑप्शन ए एक्स सिग्मा, ऑप्शन बी एक्स सिग्मा, दिस इज एक्स इज इक्वल टू एल, दिस इज एक्स इज इक्वल टू एल, ठीक है। ऑप्शन सी एक्स सिग्मा, दिस इज एक्स इज इक्वल टू एल, ठीक है। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो बताओ फटाक से कौन सा ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट। चलो चलो, तो हमने स्ट्रेस निकाला था, अभी वेरिएशन कितना आया था, कितना आया था, एम ओमेगा स्क्वायर बाय टू ए एल एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का, किसका इक्वेशन है, पैराबोला का, ठीक है। और कैसा पैराबोला, ये वाला पैराबोला, ये वाला, समझ पर, ये वाला पैराबोला, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, ऑप्शन सी होगा। एक्स इज इक्वल टू एल पे देखो स्ट्रेस जीरो, इस पॉइंट पे स्ट्रेस जीरो होना चाहिए, स्ट्रेस जीरो, तो ये तो होगा नहीं, स्ट्रेट लाइन, ये क्या स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, सिग्मा वर्सेस एक्स का क्या स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये नहीं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है नहीं, तो ये तो होगा नहीं, इन दोनों में से हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग जैसे तो ये भी पैराबोला, अगर इसको ये भी पैराबोला कंसीडर करें, तो ये वाला पैराबोला तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब ये वाला पैराबोला आएगा जो नीचे ढूलता हुआ, तो कौन सा बचेगा, ये वाला ऑप्शन। देखिए चेक कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू एल पे स्ट्रेस जीरो है, हाँ जीरो है। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या स्ट्रेस मैक्सिमम है, हाँ मैक्सिमम है। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो रखोगे तो सिग्मा मैक्स कितना आ जाएगा यहाँ से, एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू ए एल, एक एल सेल खत्म हो गया, कितना आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू ए, दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि जब हम लोग रॉड को रोटेट करते हैं, जब हम लोग रॉड को रोटेट करते हैं तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ जनरेट होता है, एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू ए, दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप इन द रॉड। और ये कहाँ पे जनरेट होता है, एक्स इज इक्वल टू एल पे, सॉरी एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। नोट कर लो फटाक से, मिटाए। ठीक है, तो स्ट्रेस पार्ट इज ओवर, विल डिस्कस स्ट्रेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। सो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।